हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है AMU एग्जाम कंट्रोलर। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और इस तरीके का आइकन ओपन होगा। दो तीन अपडेट है, एक तो एडमिट कार्ड को लेकर है, दूसरा रिजल्ट को लेकर भी है। तो अभी मैं सिंपली इसकी वेबसाइट पर सर्च कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन वीक है। चलिए इसकी अब जब वेबसाइट पर आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था सर कि AMU का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो कब तक आएंगे और एंट्रेंस वालों का क्या सीन है। एंट्रेंस वालों को तो सिंपल सी बात है, मैंने बता ही दिया, उसमें टाइम लगेगा। वो मिड जून या एंड जून के आसपास में आने के चांसेस है, उससे पहले थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और बाकी ये है कि एडमिट कार्ड अभी रिसेंट में जिनके पेपर होने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड जरूर आए हैं। तो अब एक बार हम थोड़ा एडमिट कार्ड दिखा देते कौन कौन से कोर्स का आया है, और बाकी ये है कि हम एक बार रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे। तो अब हम इसके वेबसाइट पे जा रहे हैं, वेबसाइट पे इसके आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद अभी आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि किस किस कोर्स का है, बाकी जिनका नहीं आया उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे LLM का, MCA, MSc का आया है फाइनली, और इनका 21 को पेपर है, तो इसके बाद ये भी हट जाएंगे। खैर, इसके बाद जैसे जैसे और भी पेपर होते जाएंगे, जो डेट आया उस डेट के हिसाब से बाकी पेपर का भी एडमिट कार्ड आएंगे और हटा दिए जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड 2 से 3 प्रिंट कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए अब फाइनली रिजल्ट आया है, रिजल्ट देख सकते हैं। यानी कि 12th में जो भी स्टूडेंट AMU में इनरोल्ड हैं या AMU में पढ़ रहे हैं उनके फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं अपना रिजल्ट चेक कर पाए हैं उनका क्या या नहीं आया, वो इस तरीके से अपना इनरोलमेंट ID, अपना पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के लॉगिन करें, उनका रिजल्ट दिख जाएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, 12th का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, उन सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। बाकी AMU से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।